बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें कि दिनेश यादव जी की मैंने अभी दो घंटे पहले आपको खबर बताई थी, दिनेश यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। अब थोड़ी ही देर के बाद एक अपडेट आई है कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने दिनेश यादव से संपर्क कर उन्हें भाजपा में शामिल किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिनेश यादव जो है टालीग्राम के पूर्व चेयरमैन और जिला पंचायत प्रतिनिधि ने जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जो है झटका है समाजवादी पार्टी के लिए कि दिनेश यादव ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। टालीग्राम एक जो है छिबरामो तहसील का एक भाग है, नगर पंचायत है, बड़ा नगर है, उसके आसपास के काफ़ी गांव जुड़ते हैं, वहां पर एक बड़ी बेल्ट बोली जाती है। वहां से दिनेश यादव समाजवादी पार्टी से काफ़ी दिनों से लगभग 1998 से सक्रिय थे और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन कर ली है। समाजवादी पार्टी से उनके कई बड़े नेताओं से नाराज थे, काफ़ी दर्द था जो उन्होंने अपने त्याग पत्र में बयां किया है, मैंने आपको दिखाया भी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि बृजेश पाठक ने दिनेश यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। चुनाव से पहले क्या कन्नौज में कई और ऐसे बड़े नेता हैं? सूत्रों की माने तो कई ऐसे बड़े नेता हैं कन्नौज से समाजवादी पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है लगभग 200 से 300 लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जो पहले समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ता थे या वोटर थे वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्हें जो है शामिल किया गया। उसके बाद दिनेश यादव, उससे पहले प्रिंस यादव, कई और ऐसे बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है दिनेश यादव जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।